हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मेरा फास्ट है मंगलवार, तो और हम आए हैं मंदिर में सफाई करने। थोड़ा मंदिर में साफ सफाई कर ली जाए, फिर साफ सफाई करने के बाद मिलते हैं आपसे, फिर आगे की बात करते हैं। फिलहाल ये हम आ चुके हैं मंदिर, राम जी के मंदिर में, तो यार थोड़ा सफाई कर लें, फिर मिलते हैं सफाई के बाद। तो गाइस, हम लोगों ने राम जी के मंदिर में सफाई कर ली है, अब हम चलते हैं अपने राधा कृष्ण के मंदिर में, वहां भी सफाई करते हैं। चलिए तो राधा कृष्ण मंदिर में चलते हैं, आपको भी दर्शन कराते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने राधा कृष्ण के मंदिर में और यहाँ भी सफाई करनी है। अब देख सकते हैं फूल वगैरह पड़े हुए हैं, तो इसी में सफाई करनी है, तो सफाई करते हैं, आप सफाई करते हैं, और कमेंट में आप जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलिएगा। तो हमने यहाँ भी सफाई कर ली है, बट यार हालत ख़राब हो गई सफाई करते करते। तो अब क्या है, मंदिर में पर्दा लगा देते हैं क्योंकि टाइम हो रहा है। तो अब सीधे मंदिर खोलेंगे 4:30 या 5 बजे के। और ये आप ज़रूर पूछ, क्या है, तो आज मंगलवार है, अपना फास्ट है, तो ये वीडियो कल आएगी, तो आप लोग कमेंट में मत बोलना यार कि बुधवार को वीडियो डाल लो, बोलो आज मंगलवार है। तो भाई क्या था कि कल मैंने वीडियो नहीं बना पाई, जिसकी वजह से आज मंगलवार के दिन वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा, क्योंकि थोड़ी तबीयत ख़राब थी मेरी, इसे वीडियो नहीं बना पाया। और हाँ गाइस, एक बात ज़रूर कहूँगा यार, वीडियो देखते हुए तो वीडियो में एक लाइक और एक अच्छा सा कमेंट कर दिया करो, और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लिया करो, क्योंकि आप ही मेरे को छोटे से बड़ा आप लोग ही बनाओगे, तो प्लीज़ सपोर्ट। भाई साहब, मंदिर में सफाई करके मैं फिर से घर गया, घर जाके अपनी वीडियो मैंने खुद देखी, तो देखा है यार कि हमने राधा कृष्ण का मंदिर का जो गेट है वो खुला ही छोड़ दिया है। अब फिर से वापस आया कि भाई बंद कर दो। ये देखिए, अपनी वीडियो देखने के बाद पता चला कि मैंने गेट खुला ही छोड़ दिया है, मैंने फिर बंद करने। हम आए आ रहे हैं, आराम से वेट करो, घर जा रहे हैं। क्या हो रहा कि घर में सब, मम्मी तो जग रही हैं, पापा सो गए हैं, अपना लल्ला भी सो रहा है, तो चलो दिखाते हैं लल्ला को। तो हम रूम में आ चुके हैं और ये देखिए हमारा लल्ला सो रहा है। तो थोड़ी नींद आ रही है हमें भी, सोते हैं, मिलते हैं फिर शाम को। फिर तो बस अभी सो के उठा हूँ, और इतनी प्यारी नींद आ रहती है कि उठने की इच्छा नहीं होती, बट अभी सो के उठा और देखता हूँ भाई को भी, भाई उठा है कि नहीं उठा है। तो दिख रहा होगा, ये देखिए भाई सो रहा है। उठे भाई, उठो, रूम में चलते देखते क्या होता है। और ये लल्ला की मालिश हो रही है, लल्ला मालिश हो रही है, लल्ला यशो ना मालिश हो रही, मम्मी अच्छे से मालिश नहीं करने का, हाँ हाँ डरा रहे हो, खुर खुर बाप बदमाश। तो चलते थोड़ा बाहर घूमते फिरते हैं, देखते हैं बाहर गले क्रिकेट ना, कुछ भी को लॉकडाउन में चले खेल जरूर रहने के। अच्छा, एक इधर खेल रहे हैं, दूसरे लोग दूसरी पार्टी उधर खेल रहे हैं। ये हमारे गांव की गली क्रिकेट चल रही है, ये लोग खेल रहे हैं। भाई तभी जस्ट वीडियो बना रहे थे हम लोग क्रिकेट का, तो भैया लोग डर गए, उन्हें लगा भाई ये कैसी वीडियो बनाई जा रही है, क्या एक लॉकडाउन है, घर से बाहर निकलना सबको अलाउ नहीं है, और भैया लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो उन्हें ऐसे डर लगा कि जैसे पुलिस वाले हैं, लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, कहते भाई क्या कर रहे हो, कहते भैया कुछ नहीं, नॉर्मल लोग वीडियो बना रहे हैं। तो भाई अपने यहाँ का ऐसा सीन है कि अभी तो फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है, और लॉकडाउन है और ये सुनाई दे रहा है कि 1 जून से शायद कई चीज़ों में राहत दे दी जाए, और लेकिन ऐसा हुआ कि अभी लॉकडाउन हटने वाला है, और उसके बाद अभी ब्लैक फंगस का अटैक हो गया है, और अभी कल न्यूज आई कि भाई व्हाइट फंगस भी एंट्री कर गया है। भाई लगता है कि जितनी भी बीमारियां हैं साला इसी सीजन में आ जानी है, आगे कुछ नहीं होना है, इसमें पूरी दुनिया ख़त्म होनी है इसी बीमारियों की वजह से। कमेंट में बताओ भाई क्यों इतना ज़्यादा अफवाह फैलाई जा रही है बार बार, जनता वैसे भी कोरोना से डरी हुई है, और ऑटोमेटिक अब ये ब्लैक फंगस है, व्हाइट फंगस है, और फलाना ढिकाना पता नहीं कौन कौन सी बीमारी आ ही जा रही है यार।
क्यों ऐसी अफवाह फैला रहे हैं यार? ये सब बंद करें, ये सब ना करें। जनता अपने में घर में रहेगी वैसे भी सेफ रहेगी, लेकिन ऐसे फालतू के अफवाह फैलाने से क्या मतलब? हैंड कैम। अब है छी। वाह, ग्रैंड मास्टर प्लेयर। दिस इज ग्रैंड मास्टर प्लेयर, देसी लिगांड इज हियर, देसी लिगांड इज गेम प्ले। हे गाइस व्लॉग। हे गाइस, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करेगा और कमेंट में अपना फेवरेट पार्ट बताइए। तब तक के लिए बाय बाय गाइस। दिस इज देसी लिगांड इज हियर।